जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी है होंडा स्विका 2005 मॉडल है। गाड़ी में मसला ये है कि इसका एसी जो है वो चलता चलता बंद हो गया। तो गाड़ी स्टार्ट है, अंदर से एसी ऑन है। ये पाइप सेक्शन वाला और जो पतला पाइप होता है हमारा ये वाला, ये लिक्विड लाइन का होता है, ठीक है। ये पाइप एसी ऑन होने पर, जैसे ही आपका कंप्रेसर ऑन होगा, इसको ठंडा होना चाहिए। ये फुल गर्म है। अंदर से मैं एसी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एसी अंदर से ऑन है लाइट। सबसे पहले कंफर्म करना है आपने कि आपका ब्लोअर चलता है कि नहीं। ब्लोअर भी चल रहा है और ये लाइट भी ऑन है। ये लाइट ऑफ हो गई, इसको मैंने बंद किया। अभी एसी बंद है हमारा, सिर्फ ब्लोअर चल रहा है। ये एसी ऑन हो गया लेकिन बाहर से ऑन नहीं हो रहा। तो फॉल्ट भी मैंने इसका पकड़ लिया। फॉल्ट कहाँ पे है, ये इसका लगा हुआ है जी प्रेशर स्विच। प्रेशर स्विच का ये ग्रिप है दो वायर वाला, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये ड्रायर बोतल है और उसके ऊपर स्विच है। स्विच में भी अंदर भी कचरा आया हुआ है स्विच में। ये मैं क्लोज करता हूँ, आपको नजर आ रहा है। ये लगा हुआ है इसका दो वायर वाला प्रेशर स्विच। दो वायर वाला अगर आपने बाईपास करना है, बड़ा आसान सा तरीका है। ये दोनों वायरों को आप शॉर्ट करेंगे, आपका एसी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम रिपेयर ही करेंगे, फिर भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि दोनों वायरों को बाईपास करने से एसी ऑन होता है कि नहीं। अच्छा, ये वायर मैंने छील ली है, तो ये पिन के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे। अंदर डालो ज़रा, एसी ऑन हो गया। ये पिन लगाई, एसी ऑन हो गया और पाइप भी ठंडा हो गया। ये नमी आ गई, निकालो, एसी बंद हो गया, लगाओ। तो इस तरीके से आप इसको बाईपास कर सकते हैं। अभी हमारे पास इसका ग्रिप नहीं है, टेम्परेरी हम इसको गाड़ी को सुबह तक हम चलाएँगे, इसी तरीके से बाईपास करेंगे। तो जब ग्रिप मिलेगा फिर हम अच्छे तरीके से इसको रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।